अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर शमशीर हैदर आपको अपने चैनल में वेलकम कहता हूँ। व्यूअर्स, आज हमारा टॉपिक है सीमन के मतलब। सीमन पतला क्यों हो जाता है, इसकी क्या वजूहात हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत ही आसान सी बात है कि जब हम मुर्गन खुराक खाते हैं, जंक फूड खाते हैं या फिर हम खट्टी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारा सीमन पतला होना शुरू हो जाता है। इस पतले होने की वजह से टाइमिंग में भी बहुत प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जैसे कि मुर्गा खाने से, मछली खाने से और उसके बाद जो खट्टी चीज़ें खाने से, इससे मादा जो है वो पतला हो जाता है। जंक फूड खाने से मादा पतला हो जाता है, जिसकी वजह से घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं, टाइमिंग बहुत कम हो जाती है। इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है। होम्योपैथिक में एक मेडिसिन ऐसी है जो कि एक माह में एक खुराक ही खाई जाए तो सीमन गाढ़ा हो जाता है, सीमन के मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। होम्योपैथिक में नेट्रम फास CM की एक खुराक अगर खा ली जाए खाली पेट, तो उससे ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।